हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? और मैं बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और बच्चे चले गए हैं स्कूल, हस्बैंड भी चले गए हैं, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो अब जाके फ्री हुई हूँ तो मैं अब करने बैठी हूँ। बाबू को मैंने चाय वगैरह दे दी थी तो मैं उसको अपने साथ खिला रही थी। मैंने कहा लो खा लो, लेकिन वो नहीं खा रहा था। उसके मन में होता है तो वो खाता है, वरना नहीं खाता है। और यहाँ पे वो रो रहा था क्योंकि वो बंदूक का कुछ मांग रहा था जो मारने वाला होता है, क्योंकि वो उसको जाना है बाहर खेलने। तो अब जब वो बाहर खेलने जाएगा और तब मैं अपना काम स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि वो यहाँ पे जब तक रहता है तो फेंका फाकी करता ही रहता है। तो वैसे भी रोकने की कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं रुकता है वो। तो बस उसको मैंने बता दिया कि डैडी की किट में है। और यहाँ पे देखिए, मैंने पास्ता मैक्रोनी सॉरी पास्ता और मैगी बनाई थी। आज सैटरडे था तो सैटरडे को बच्चे ले जा सकते हैं स्कूल, तो आज मैंने कहा चलो बना देती हूँ। डेली डेली नहीं बनाती हूँ, हफ्ते में एक बार बनाती हूँ, वो भी कभी कभी। बबलू, अरे तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ धनिया साफ, क्योंकि इस धनिया की मुझे बनानी है चटनी। तो देख सकते हैं हल्का पीला सा हो गया है, पता नहीं कैसे पत्ती पीली सी हो जाती हैं। पहले फ्रिज था तो मैं फ्रिज में डिब्बे में ना इसको पैक करके अच्छे से रख देती थी, तो धनिया सूखता भी नहीं था, हरा का हरा रहता था और ना ही पत्ती इसकी पीली पड़ती थी, ग्रीन की ग्रीन रहती। बट अब फ्रिज नहीं है तो डिब्बे में रखूँगी तो ख़राब हो जाएगा ना, तो इस वजह से ऐसे ही रखती हूँ तो ऐसा हो जाता है धनिया। तो अभी बस मैंने धनिया की चटनी पीस ली है और यहाँ पे मैं धुल रही हूँ अभी बर्तन, क्योंकि मैंने कल आओ किचन भी क्लीन कर दूँ। उसके बाद काम तो बस बच्चों के और हस्बैंड के जाने के बाद सारे काम मेरे स्टार्ट हो जाते हैं सुबह से। और सुबह भी जब बच्चे और हस्बैंड होते हैं ना तो भागम भाग रहता ही है कि बच्चों को नाश्ता दो, टिफिन पैक करो, पानी की बोतल भरो, बच्चों को तैयार करो, नाश्ता हस्बैंड के लिए भी देना होता है, फिर हस्बैंड के कपड़े कभी कभी वर्दी प्रेस करो। मॉर्निंग ही बोलते हैं सब कुछ, तो मॉर्निंग में ही जल्दी जल्दी करना पड़ता है। और पहले से हो तो ये है कि थोड़ा वो होता है, पहले से पता भी नहीं होता ना मुझे कि कौन सी वर्दी पहननी है उनको और कौन सी यूनिफॉर्म चाहिए। तो बस आज सिविल पहन के गए तो सिविल उन्होंने पता नहीं बोला होगा मुझसे, लेकिन मुझे नहीं पता था, मैंने सुना नहीं होगा। तो मैंने फिर कह रहे थे, मैंने सुबह मैंने कहा एक दिन पहले बोला करो प्रेस करने के लिए, क्योंकि सुबह को क्या होता है इतनी भागम भाग होता है, नहीं हो पाता इतनी जल्दी जल्दी। बट वो बोले कि मैंने बोला था तुमसे कि मैंने मैंने कहा था कि पहले से कि मैं सिविल पहन के जाऊंगा कल। वैसे ये तो मुझे पता है कन्फर्म, अब पता चल गया कि हर सैटरडे को वो सिविल पहन के जाते हैं कपड़े, तो मुझे जो उनकी एक सिविल ड्रेस है तो वही ड्रेस पहन के जाते हैं, तो उनको वो प्रेस वगैरह करके रखना पड़ता है। बट अब मैं आगे से याद रखूँगी, कोशिश करूँगी कि प्रेस करके ही रखूँ, क्योंकि मॉर्निंग में नहीं हो पाता है काफ़ी, सुबह को भागम भाग रहती है, बच्चों को जाना होता है, बच्चों को देखो या हस्बैंड को देखो, उनके काम पूरे करो, फिर बाबू भी इधर चीखने लगता है कि मुझे चाय दूध चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मोजे पहनाओ, जूते पहनाओ, तो काफ़ी काम हो जाता है। तो मैंने ना अभी मेरा पोछा रह गया है और मैं धुलने जा रही हूँ कपड़े, और बर्तन वगैरह साफ कर लिए, किचन भी क्लीन कर ली है। देखिए, और यहाँ पे साइड में मेरी वीडियो दूसरे फ़ोन से मैंने ऑन कर रखी, क्योंकि इस फ़ोन से नहीं देख सकते ना, तो दूसरे फ़ोन से जितनी आइडिया होती है सबसे मैं देख लेती हूँ कि थोड़ा व्यूज़ बढ़ जाए। और यहाँ पर देखिए, मैंने जो दाल थी रात की काफ़ी दाल रखी हुई है, तो मैंने कहा अगर मैं न्यू सब्जी बना लूँगी ना तो ये दाल कोई नहीं छुएगा, सच में कोई भी नहीं छुएगा। तो मैंने क्या करा, ये दाल को गर्म कर लिया है और साथ ही ये देखिए चटनी पीसी है, तो चटनी पीस ली है। और मैं हस्बैंड के लिए चटनी से चावल की रोटी बना दूँगी, तो चावल की रोटी खा लेंगे चटनी से, और हमारे रात के चावल भी पड़े हैं तो वो चावल हैं और वो दाल हम लोग खा लेंगे, और खाना ये है वेस्ट तो नहीं होगा। और मुझे ना पोछा लगाना है, तो मेरा बस पोछा वगैरह कपड़े धुल लूँ, बच्चों की ड्रेसें हैं जो वो आज क्लब ड्रेस पहन के गए हैं, और तो उनकी जो यूनिफॉर्म है एक दूसरी वाली वो मैं आज धुल दूँगी और बाकी कल धुल दूँगी जब बच्चे आ जाएंगे। तो
तो फटाफट कर लेती हूँ काम, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम पड़ा है अभी। और हाँ, मलाई भी निकालनी है, मलाई में से घी निकालना है। तो मैं सोच रही हूँ कि मलाई को बड़े भगोने में ट्रांसफ़र कर दूँ, और कल कल या परसों और खट्टी हो जाएगी तब निकालूंगी, क्योंकि फिर बार बार दिक्कत होती है। और मैं ये वाली मलाई जो है ये व्रत के लिए यूज़ करूँगी, तो मुझे उसका जो डिब्बा है ना वो भी मुझे खाली करना पड़ेगा, क्योंकि जो उसमें पहले के घी है वो उसको मैं निकाल दूंगी और डिब्बे को अच्छे से वॉश करके व्रत के लिए साफ घी रख लूंगी। तो इतना काम मुझे करना है। तो चलिए अभी फटाफट मैं कपड़े धुल लेती हूँ, और मैं ज़्यादा कुछ तो शेयर नहीं कर पाऊँगी, थोड़ा थोड़ा शेयर करूँगी। तो फटाफट कर लेती हूँ काम, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो मैंने यहाँ पे कपड़े धुल चुके हैं और मैं आ गई हूँ पोछा लगाने। तो अंदर तो मैं मतलब हाथ से ही लगाऊंगी, मतलब बैठ के ऐसे लगाऊंगी कमरों कमरों में। और यहाँ पे जो है बरंडे में मैं सोच रही हूँ इससे लगा दूँ, क्योंकि मेरे पता है हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। दो दिन से मतलब मेरे कमर में और पैरों में बहुत दुख रहा है, दर्द हो रहा है। तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी लगाने की, बट मैंने कहा लाओ ऐसे करके फटाफट लगा दूं, क्योंकि गंदा भी नहीं अच्छा लगता है। साफ़ सफाई हो तो अच्छी लगती है, और फर्श गंदा गंदा सा दिखे ना तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो बस मैं इसलिए फटाफट इससे वाइपर से साफ़ कर दे रही हूँ, वाइपर से पोछा लगा दे रही हूँ। और मैं हस्बैंड से बोल रही हूँ कि मुझे एक मंगवा दो, जो वो वाला पोछा होता है ना, ऑर्डर कर दो मुझे, क्योंकि मैं मार्केट में पूछने गई थी तो वहाँ पे वैसा पोछा नहीं मिल रहा जैसा कि मुझे चाहिए। तो मैंने कहा कि बाल्टी वाला एक आता है मतलब पोछा, तो मैंने उनको सर्च करके भी अमेजोन पे दिखाया, तो मैंने कहा वो मंगा दो। अभी देखो उनके मूड में है तो मंगाएंगे, नहीं तो फिर नहीं मंगाएंगे। वैसे मैंने उनसे कहा है, मैं आज फिर से उनसे कहूँगी कि मंगा दो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, मेरे घुटनों में भी दर्द होता है थोड़ा इस तरह से। तो बस मैं अभी तो ऐसे ही फ़िलहाल लगा ले रही हूँ बरंडे में, और कमरे कमरे में तो बैठ के ही लगाना पड़ता है, क्योंकि बैठ के जब तक ना लगाओ तो नहीं ठीक लगता है। और जब इससे क्या है कि बार बार मुझे धुलने के लिए जाना पड़ता है, तो इससे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती, वरना मैं इससे एडजस्ट कर लेती। बट उसमें क्या है, मैं पानी वहीं पर रख लूँगी और उसमें ये हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस ऐसे ही खुद ही निचोड़ जाता है, उससे निचोड़ने का होता है। बस इसमें मुझे दिक्कत हो जाती है थोड़ा, कि बार बार पोछे को अच्छे से धुल के लाओ फिर निचोड़ो तो दिक्कत होती है ना, तो ये बात है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं एक मतलब हस्बैंड से बोलूँ कि वो ऑर्डर कर दें। वैसे ज़्यादा प्राइस का नहीं है, बट देखती हूँ मैं, अगर आ जाएगा तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी। तो चलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा, और ब्लॉग अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और यहाँ पर ना मैं थक गई थी, सच बताऊँ मेरी कमर में दर्द होने लगा था, तो मैं थक गई थी तो इसलिए मैं थोड़ा सा रुक गई थी। और अभी बस मैं फटाफट लगा लेती हूँ। और आप लोग मेरे चैनल पर अगर फर्स्ट बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए